नागपंथ के विश्वविख्यात गोरखनाथ मंदिर का प्रसिद्ध मकर संक्रांति में खिचड़ी मेला इस बार कोविड प्रोटोकॉल के साथ आयोजित होगा। दूरदर्शन व आकाशवाणी के जरिए मेले का सजीव प्रसारण किया जाएगा ताकि अधिकाधिक लोग मेले में वर्चुअल सहभागी हो सकें। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने NXC भवन में मकर संक्रांति की तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत मकर संक्रांति मेले की सभी तैयारियां की जाएं। मेले में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार सभी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की जाए जिससे मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा एवं व्यवस्था उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने कहा कि मेले में भीड़ भाड़ को नियंत्रण करने तथा सुरक्षा आदि की तैयारियां पुलिस प्रशासन सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि मेले के समय वाहन पार्किंग स्थल में खड़े हों, वाहन स्टैंड पर प्रकाश एवं साफ सफाई की व्यवस्था हो। मुख्यमंत्री ने जंगल कौड़िया मोहद्दीपुर के कार्यों को 10 जनवरी तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अंडरग्राउंड केबलिंग के कार्य को 20 दिसंबर तक पूर्ण करने के साथ ही जर्जर पोल तारों को भी ठीक करें। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जंगल कौड़िया मोहद्दीपुर फोर लेन के निर्माण कार्य के दृष्टिगत आसपास के मोहल्लों में जल जमाव की समस्या ना हो, इसके लिए व्यापक प्रबंध सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने नगर आयुक्त को निर्देशित किया कि जनपद में साफ सफाई एवं स्वच्छता बेहतर की जाए। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि मेला क्षेत्र में पर्याप्त अस्थायी एवं अस्थायी प्रकाश व्यवस्था कराएं और पर्याप्त संख्या में अलाव जलवाने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण तथा PWD तथा नगर निगम राष्ट्रीय राजमार्ग तथा अन्य सड़कों को भी ठीक कराएं जिससे मार्ग परिवर्तित करने पर यात्रियों को सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि स्वास्थ्य विभाग मेला के दौरान कैंप लगाए, आपूर्ति विभाग किरोसिन एवं खाद्यान्न का वितरण कराए, वन विभाग जलौनी लकड़ी की व्यवस्था कराए, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन मेले का लाइव प्रसारण करें तथा कोरोना से बचाव के लिए भी जागरूक करने के साथ ही पर्व के महत्व के बारे में जानकारी दें। उन्होंने निर्देश दिया कि मेले के दौरान परिवहन विभाग बसों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था करे, नागरिक सुरक्षा एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाएँ भी अपने योगदान देंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी रैन बसेरों को ठीक कराएं तथा रैन बसेरों में सफाई आदि की व्यवस्था बेहतर हो। बैठक में ADG दवा शेरपा, DIG राजेश डी मोडक, जिलाधिकारी KVN पांडियन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, हमें COVID-19 के सभी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर के कार्यक्रम आगे बढ़ाने हैं और इस देश से अभी से उन सभी सावधानियों और स्थितियों में सामान्य प्रस्तुतियां तथा गाइडलाइन का पूरा पालन ही हमें करना होगा, लेकिन तैयारियां हमारी बनी रहनी चाहिए।